आरा बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। यह भोजपुर जिले का मुख्यालय है, जो गंगा और सोन नदियों के संगम के पास स्थित है। आरा समुद्र तल से 192 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिख रहे बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ब्रिटिश राज्य के दौरान आरा बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। राज्य की भूमि उपजाऊ है और इसका उपयोग बहुत कम वन आवरण के साथ खेती के लिए किया जाता है। यहाँ उगाई जाने वाले मुख्य फसलें चावल, आम और महुआ हैं। आरा को ऐतिहासिक रूप से शाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे बाबर ने 1529 में नाम दिया था, जब उसने बिहार के अफगानों के खिलाफ अपनी जीत के बाद यहाँ पर डेरा डाल लिया, तब इस शहर का उसने नाम दिया था। आरा में सरकारी और निजी स्कूल उपस्थित हैं। 2018 में बिहार सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत बिहार के प्रत्येक जिले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं। रामायण में आरा का उल्लेख है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राम के गुरु ऋषि विश्वामित्र का इस क्षेत्र में आश्रम था। राम ने ही आरा में राक्षस तारक का वध किया था। बक्सर के लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने आरा पर अधिकार कर लिया। 1857 में आरा विद्रोह के बड़े केंद्रों में से एक था। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान 2500 से 3000 सैनिकों और लगभग 5000 अन्य लोगों के एक साथ बैंड द्वारा 50 वर्षीय कुंवर सिंह के कमान में 18 ब्रिटिश नागरिकों और 50 भारतीय सैनिकों के एक समूह में आरा में लिटिल हाउस में घेर लिया गया था। आरा की मूल भाषा भोजपुरी है, जो मगधी प्रकृति से ले गई है। यह भोजपुरी त्योहारों में व्यंजन का पालन करती है। यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार होली, दुर्गा पूजा, दिवाली, तीज और गोवर्धन पूजा इत्यादि जैसे त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। शहर की आबादी लगभग 260,000 है। इस शहर में सबसे बड़ा धर्म हिंदू है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 83% कवर करता है। शहर में दूसरा सबसे बड़ा धर्म मुस्लिम है, जो लगभग 15% आबादी को कवर करता है, और 3% अन्य धर्मों को मानने वाले इस शहर में निवास करते हैं। शहर की लिटरेसी रेट 83% है, जिसमें से 86% पुरुष लिटरेसी रेट और 75% महिला लिटरेसी रेट है। उसके बाद भी यहाँ की सेक्स रेशियो केवल 874 है। जिले की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है। यहाँ के कुल जनसंख्या का लगभग 94% लोग भोजपुरी बोलते हैं और 3% लोग हिंदी बोलते हैं। दोस्तों, आप मारा आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से मई तक का रहेगा।